इटालियन एक्टर मिकेले मोरोने, जिन्होंने इंटरनेट पर धमाका कर दिया था विद हिज रोल इन द पॉलिश एरोटिक रोमांटिक ड्रामा 365 डेज, वो जल्द ही अपना बॉलीवुड डेब्यू कर सकते हैं एंड थैंक्स टू प्रोड्यूसर करण जौहर फॉर दैट। एक साल पहले मोरोने ने एक्सप्रेस की थी अपनी डिज़ायर टू वर्क इन अ बॉलीवुड फिल्म और यही डिज़ायर पूरी करेंगे अब करण जौहर। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करण जौहर ने मिकेले मोरोने को और उनकी टीम को अप्रोच किया है फॉर अ बॉलीवुड फिल्म। 2020 में मिकेले की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ी है ये सभी को पता है, इसी के चलते करण जौहर ने मौका देखते हुए उनकी टीम को अप्रोच कर दिया है। करण जौहर की धर्मेटिक एंटरटेनमेंट की फिल्म में वो नज़र आ सकते हैं जो कि धर्मा प्रोडक्शंस की डिजिटल विंग है। देखना ये होगा कि मोरोने का इस पर क्या रिएक्शन रहता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मिकेले मोरोने के इंडियन फैंस को देखने को मिलेगा एक फुल फ्लेज बॉलीवुड फ्लिक। उनकी फिल्म 365 डेज जो 2020 में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, उसमें मिकेले को मासीमो का रोल प्ले करते देखा गया जो कि एक गैंगस्टर थे और उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं और उसे कैप्टिव बना लेते हैं। ये फिल्म इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही थी और इसी को देखते हुए करण जौहर ने डिसाइड किया है कि वो मिकेले का बॉलीवुड डेब्यू करवाने वाले हैं। सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो इंडियन फैंस के लिए ये एक विजुअल ट्रीट होगी।